रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस कुफर में रोहित जाग जाएगा। उसे देखना चाहता था। आधी रात को अपने बेटे से मिलने आए हो तो टच है। मैं सिर्फ कबीर के मुंह से अपना नाम सुनना चाहता था। पानी ने पहले सबसे पहले डाडा बोला था, निकी ने भी। I just want कबीर टू से डाडा। ठंड लग रही है उसे। रोहित एक कप कॉफी पिलाना। ये डिसइनहेरिटेंस पेपर्स है, इन पे साइन कर दे। बेदखल कर रही हूं मैं तुझे इस घर से और अपनी जिंदगी से। जब अनन्या के साथ ये सब हुआ ना, तभी फैसला मैंने कर लिया था कि मेरे पास जो कुछ भी होगा वो मैं अपनी दोनों बहुओं को, अपनी ग्रैंड डॉटर्स और अपनी ग्रैंड सन को दूंगी। लेकिन फिर सोचा कि चलो तुझे भी कुछ दे दूंगी, बट नॉट नाउ। आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी रोहित। इतने साल तुझे अपनी बीवी, अपना बेटा, अपनी माँ याद नहीं आई, लेकिन अचानक शराब के नशे में तुझे अपने बेटे की शक्ल देखनी थी। अरे कौन सी माँ अपने 3 साल के बच्चे को एक शराबी के पास जाने देगी, और वो भी रात के 2 बजे? जब बेटा पैदा होता है ना, तो सबसे ज्यादा खुश उसकी माँ होती है, और जब वो शादी के लायक हो जाता है ना, तब भी वो ये सोचती है कि उसके बेटे के लायक तो इस दुनिया में कोई लड़की बनी ही नहीं है। और अगर वो शादी टूट जाती है, तब भी वो यही कहती है कि उस लड़की ने मेरे बेटे को नहीं समझा। पूनम के वक्त मैंने तुझे माफ कर दी, तेरी दूसरी शादी कबूल कर ली, लेकिन अब भी तू वही गलतियां बार बार दोहरा रहा है, बार बार। मुझे शर्म आती है कि मैंने दुनिया के सबसे वाहियात बेटे को जन्म दिया है। आई होप कि रात को मेरे रूम में तुम आराम से सो सकी। हाँ माँ, थैंक यू। पता ही नहीं चला कि वो रोहित कब चला गया। आई एम सॉरी। क्या हुआ? मेरे बेटे की वजह से तुम्हारे साथ। प्लीज, अब जो हो गया वो हो गया, फॉरगेट अबाउट इट। चलो मैं निकलती हूँ। 1 मिनट, ये ना ड्राइवर को दे देना, और कहना कि मेरे लॉयर को दे देगा। क्या ये कुछ खास नहीं, प्रॉपर्टीज के कागज हैं। ठीक है, बाय। हरी, हाय। हाय अना। हाय। ओके। मॉम सबसे डिनर में मिलना चाहती है। कल रोहित आया था। ओह। She's left with Rohit. मॉम मिलना चाहती है? No, I didn't sleep. मैं माँ के कमरे में थी, बट मॉम क्यों मिलना चाहती हैं? Why? एक्चुअली मॉम को मैं तुमसे वैसे नहीं मिलाना चाह रहा, तो हम लोग कल डेट पे जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मॉम को भी साथ में ले चले। बाय द वे ना, तुमने जो उस दिन मुझसे कहा वो कहने के लिए कहा या फिर you really wanted to date me? No, of course I want to date you, Hari. तो फिर मॉम के साथ कल डिनर? Hari, you know ये थोड़ा awkward हो रहा है अभी. तुम बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो मुझ पे. है ना मैं तुम पे प्रेशर डाल रहा हूँ. है ना, we've been friends for 6 years. आज तक मेरी तरफ से मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना. मुझे बस डर लग रहा है you know, ये सारी सिचुएशन. मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा हाउ आई वांटेड, तुम्हारी मदर को कैसे समझाओगे तुम? मेरी मॉम की चिंता मत करो, मैंने उन्हें सब बता दिया. मैंने उन्हें बता दिया है कि सिर्फ ये कैजुअल डेटिंग है, हम दोनों अपनी जिंदगी आज जी रहे हैं एक साथ. कल क्या होगा nobody knows. You sure? Yeah. Okay. Yeah. मिलते हैं मॉम से. इसकी फीडिंग का टाइम हो गया है. अरे हाँ ये लीजिए ना, लीजिए चाय लीजिए. I love kids. वैसे तुम अपने घर से बाहर कभी निकलती नहीं हूँ, लेकिन जब पूनम ने कहा कि वो तुम्हारे घर किसी बच्चे से मिलने आ रही है तो मैंने कहा मैं भी साथ में चलूंगी. Actually, even अभी loves kids, है ना बेटो? Yeah. खैर तेरे तो हो नहीं सकते, क्या करें? पूनम take some tea ना, लो. No, thanks यार. वो क्या है ना, पूनम की थोड़ी तबीयत खराब है. stomach ache and some problems. वही पुराना यूट्रस का रोना और क्या. एक्चुअली तुम लोग ना गायनेक को दिखा लो, क्योंकि इस एज में हिस्टेरेक्टमी के चांसेस बढ़ जाते हैं. मेनोपॉज भी कितनी जल्दी होने लग गया आजकल. नहीं पूनम ये नट्स मत खाओ, मेनोपॉज में नट्स खाने से घबराहट, एंजाइटी सब बढ़ जाता है. मीरा मुझे पेरीमेनोपॉज हुआ है, अभी तक पूरा मेनोपॉज हुआ नहीं है. हाँ लेकिन अगले साल तक हो जाएगा ना, उम्र तो हो ही गई है. माँ चाय आप लो, मैं ले रही हूँ. अरे मेरी मॉम का वो मतलब नहीं था ना. You know her, she's like that only. क्या बोल रही थी बार बार मेनोपॉज? मुझे पता है, ऐसे बात कर रही थी जैसे कि मेरा एक टांग कब्र में है. तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें बच्चे चाहिए, और वो ठीक कह रहे हैं, मैं तुम्हें बच्चे नहीं दे सकती ना. अरे बाबा पर तुमने मुझे बच्चे दिए तो. निकी है, उसकी शादी होगी उसके बच्चे होंगे. पानी दूसरी शादी करेगी उसके बच्चे होंगे. अरे हम उनके एक तो बच्चे उठा के ले आएंगे ना. और डैडी नहीं बना तो क्या हुआ, नाना जी बनने के लिए भी तैयार हूँ मैं. थोड़ी सी स्माइल कर दो यार, इतना एडजस्टिंग मिला हूँ यार मैं. हाँ क्या बात है बेबी? अमन, डू यू लव मी? यस आई लव यू मानी. और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो तुम. मांग के तो देखो, बस शादी करने को मत कहना प्लीज. हूँ मैं कभी नहीं बोली. और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो तो फिर मेरे लिए काम करो. अपनी बीवी के पास जाओ और उससे कहो कि एना का प्रोजेक्ट उसे वापस कर दे जो उसने एना से छीन लिया था. आई नो तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जो अपनी बीवी को कहीं किसी मिनी वेकेशन पे उससे बात करो, उसे समझाओ, उससे प्यार करो. मेक लव टू हर. पुराना प्यार वापस जताओ. बट मेक दिस हैपन. एक मिस्ट्रेस अपने मैरिड लवर से यही तो कह रही है कि वो अपनी बीवी के पास वापस जाए और उसे प्यार करे. क्या गलत काम है? कोर्ट से फर्स्ट ईयरिंग की डेट मिल गई है. ओह, डिवोर्स केस शुरू करने के लिए. ब्रेक दिखाओ जरा. हे पूनम, हाय, थैंक्स सो मच फॉर कमिंग. प्लीज ये राहुल है मेरे लॉयर. हाय पूनम, ये पेपर्स है और विटनेस के लिए आप साइन कर दीजिए. मुझे आपसे कुछ बात करनी थी एक्चुअली. जी. मेरी फ्रेंड के लिए एक एडवाइस लेनी थी. वो ना अपने पति से उम्र में बड़ी है, उसे बच्चे नहीं दे सकती, तो क्या इस वजह से उसका पति उसे डिवोर्स दे सकता है? हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं. आप मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए और मुझे कॉल कर दीजिए. Thank you. See you. Yeah. Can I take you out for a drink? You know, actually, I really need to have a drink. Let's go. वहीं चलते हैं जहाँ तुम्हें तुम्हारा एक्स हस्बैंड लेके जाता था और मेरा ऑलमोस्ट एक्स हस्बैंड मुझे लेके जाता था। We need to go there. Yes, let's go. कभी कभी मुझे ना यकीन नहीं होता कि हम दोनों इतने क्लोज हो चुके हैं। मैं कितनी नफरत करती थी तुमसे। I know. अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती ना तो मुझे अभी नहीं मिलता। अभी क्या नहीं मिलता? अभिमन्यु। Right. Baby. Baby. बात क्या है? पूनम, यू नो मेरे पास सैडनेस को दूर करने के लिए ना एक सीक्रेट मेडिसिन है और पता है वो मेडिसिन ना किसी मेडिकल शॉप पे नहीं मिलती। ये का माइस्टर लेकर आओ अभी लाई। आई लव यू बेबी। क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए? अभी पूनम भाभी, अन्ना भाभी, हाय, यो, there you go, ये बाद में, cheers, cheers, strong, good one, I told you, मेरे जनाजे पर जश्न मनाया जा रहा है। This calls for a celebration. Guri, cheers. Guri bhai sahab, hangover उतारने के लिए ना तो दुआ, दवा, ना ही दारू काम आती है। नींबू पानी पी लीजिए। हाँ, मैं लॉयर से मिली थी। लॉयर से मिली थी? मेरे घर की औरतें जिस रेट से लॉयर से मिल रही है ना, मुझे लगता है बानी की शादी किसी लॉयर से करानी चाहिए। बेबी कहाँ ना मैं लॉयर से मिली थी। कौन से लॉयर से? मेरा डिवोर्स लॉयर। अच्छा तुम्हारा डिवोर्स लॉयर, ये क्यों मिली थी? तुम कोर्ट में मेरे खिलाफ बोलोगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? You know what happened that night? मैं पता है उस रात क्या हुआ था, बताती क्यों नहीं ऐसे? You were my wife for 20 years. Yeah, she was your wife. उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी थी मिस्टर मेहरा। लेकिन आपने गलतियाँ तो वही दोहराई ना। म्यूजिकल चेयर्स खेला हम दोनों की जिंदगी के साथ और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हेलो बेबी। अरे कितने हो तुसी? कब से फोन लगा रही हूँ? बेबी वो मैं आज ना एक नई जगह आया हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? एनीवे जाओ ना अपनी यंग गर्लफ्रेंड के पास। मैं तुझे ना थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? ये मरवाएगा साला आज। ओ प्लीज अपना ये नाटक बंद करो रोहित। शराब पी के तुम कबीर से मिलने आए हो रात के 2 बजे। तुम अब ऐसा करने लग गए हो। कबीर मेरा, यू स्टे आउट ऑफ दिस यार। कबीर मेरा भी बेटा है, मैं जब चाहूंगा उससे मिलने आऊंगा। मुझे तुमसे परमिशन लेने की, अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू गेट दैट? एनीवे, लेट्स कॉल फॉर सम मोर ड्रिंक्स यार। तुम जैसा चाहती थी वैसा हो गया। मेरी माँ ने फाइनली मुझे अपनी ही जायदाद से बेदखल कर दिया। शी मेड मी साइन द पेपर्स। यस सर, व्हाई यू एक्टिंग लाइक यू डोंट नो? हाँ वो पेपर्स मैंने देखे हैं। क्या? तो ये वही पेपर्स हैं? ये पेपर्स तो माँ ने बहुत पहले रेडी कर लिए थे। डैम, मतलब ये वही पेपर्स हैं जो माँ ने मुझे बोला था लॉयर को देने के लिए। अगर मुझे ये पेपर्स के बारे में पहले पता होता ना, मैं पर्सनली आके तुम्हें देती रोहित। Sure. Baby. You okay? Yeah. Have a seat. Have a seat. Hi. Hi. अच्छा हुआ तू आ गया यार, तेरी कमी महसूस हो रही थी। Come join the circus, बैठ जा उसकी गोद में, बैठ जाए। Used to it. अभी हम वॉशरूम होके आ रहे हैं। I'll just come back, हाँ? Come. You okay? Yeah, I'm fine. ठीक है। इधर। तू जाएगा नहीं साथ में? उसका ध्यान रखना। मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। उसे अगर बच्चे चाहिए होंगे, मैं कैसे? He loves you. प्यार करता है वो तुमसे। लेकिन उस प्यार के साथ जीना वही तो इश्यू है। उसकी मम्मी ने मुझे बच्चों के बारे में कितना कुछ बोल दिया। We didn't say a word. You think ये इतना बड़ा रीजन है कि तुम उसे छोड़ दोगे? पूनम, क्या उसने कभी तुम्हें हर्ट किया? नहीं। कभी तुम पे चीट किया? नहीं। उसने कभी तुम्हें एज गैप फील करवाया? नहीं ना। तो फिर एक स्टूपिड सी थॉट, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर तुम ये रिलेशनशिप कैसे बर्बाद कर सकती हो? He loves you and you love him. अपने प्यार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए पूनम. अपने प्यार के बिना रहना ना टॉर्चर होता है, you know? ये तो मुझे कह रही हो या अपने आप को? अपने प्यार के बिना रहना टॉर्चर होता है. अब कहीं तुम्हें एहसास तो नहीं हो रहा है कि तुम रोहित को डिवोर्स दे रहे हो? अनन्या सच्ची हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था. We stopped each other यार. Technically he didn't cheat on you. Mental cheating, physical cheating, you know, same. इतनी जरा सी गलती की वजह से तुम उसे. Are you serious? You know I'm all for marriages and relationships यार. लेकिन एक बार विश्वास टूट जाता है तो everything goes for a toss. सब टूट जाता है. Love, respect, सब कुछ. He disrespected me, you, and the sanctity of the marriage. उल्टी. Oh, पूनम, अंदर चलो. Come, सुसु. यार, you want me to come? No, I'll manage. Yeah, I don't believe it, yeah. कि अभी यहाँ तक आ गया. और आना वो ये गे शॉर्ट्स बहुत अच्छे थे. फिर से ऑर्डर करे क्या? आना तुम सुन रही हो ना? हाँ यार. दारू पी के गाड़ी चलाना आज भी दिल्ली में इलीगल है, पता है ना? हाउ टू हैंडल माय ड्रिंक्स ये तुम मुझे सिखाओगे? मैं तुम्हें दारू पी के गाड़ी नहीं चलाने दूंगा. अपने प्यार के बिना रहना टॉर्चर होता है. कहीं तुम घबरा तो नहीं रही हो इस बात को लेके कि तुम रोहित को डिवोर्स देने वाली हो? मेरी सांसों में रहोगे.